हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एके ऑलटेक में। ये लीलन का BS3 गाड़ी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें आज हम सीखेंगे कि ये किलोमीटर रीडिंग है ये खड़े खड़े कैसे बढ़ाएं, और गाड़ी सिर्फ स्टार्ट करेंगे आइडल में रहेगा, ये किलोमीटर मेरा 20 पे रहेगा, 25 पे रहेगा, 40 पे रहेगा, 50 पे रहेगा, और ये रीडिंग बढ़ेगा, खड़े खड़े रीडिंग बढ़ेगा। ड्राइवर का कहना ये है कि भैया मेरा रीडिंग खड़े खड़े बढ़ना चाहिए। ये लीलन गाड़ी है, तो इसको कैसे सेटिंग करते हैं, कौन सा तार किस में लगाते हैं, चलिए आज देख लेते हैं। ये छोटी सी जानकारी है इसमें, ये छोटी सी जानकारी नहीं है, बहुत ही फायदा जानकारी है, बोले तो अच्छा जानकारी है और नहीं तो ख़राब का ख़राब है। अब हम लोग का क्या है, जितने सारे इलेक्ट्रीशियन है उसका गलती तो बिल्कुल नहीं रहता है, क्योंकि जैसा ड्राइवर बोलेगा वैसा काम करना है। चलिए इसका रीडिंग देखते हैं बढ़ा करके। ये देख लीजिए लीलन है, और सबसे पहले इसका हम मीटर खोल लेते हैं। सबसे पहले ये वाला मीटर खोलेंगे, फिर इसका कनेक्शन हम बताते हैं कौन सा तार कहाँ लगाना है, ठीक है। तो ये इसका मीटर सबसे पहले बाहर निकाल लेंगे और फिर इसमें तार हम समझाते हैं आपको। देखिए इसका मीटर बाहर आ गया, एक इलेक्ट्रीशियन इसमें बहुत सारा छड़खानी किया है, फिर भी ये हो नहीं पाया। ड्राइवर बोला कि भैया हो नहीं पाया मुकरम भाई, देख लीजिए एक मरतबा। तो इसमें सबसे पहले हम सप्लाई बताते हैं आपको, ये है मेरा RPM का, ये वाला देखिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ये वाला जो तार है ये वाला हरा वाला, इस पर चाबी ऑन करने पर आता है, और ये जो मेरा है ये है ग्राउंड, और एक ये जो तार आपको दिख रहा है ये पार्किंग का है, और ये वाला है RPM का, ठीक है। तो एक तार यहाँ से लेंगे हम, ये वाला तार एक यहाँ से ले लेंगे। अब ये इधर का मीटर है किलोमीटर का, तो ये हो गया चाबी ऑन करने पे, ये हो गया मेरा ग्राउंड, और ये है किलोमीटर का। तो एक तार यहाँ से निकालेंगे और एक तार यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। एक तार यहाँ से निकालना, एक तार यहाँ से निकाल करके बाहर कर देते हैं। तो सबसे पहले हम तार निकाल लेते हैं, फिर दिखाते हैं। अब देखिए भाई, एक तार यहाँ से ये निकाल लिया एक तार, ठीक है, और एक तार ये पीला वाला से ले लिया, देखिए, ठीक है। अब ये जो दोनों तार है मेरा, ये दोनों तार बाहर इधर निकाल देते हैं, यहाँ पर से निकाल दिए। निकाल देने के बाद क्या करते हैं, मीटर को यहाँ ऐसे लगा देते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके चेक करते हैं। अभी देखिए निकला हुआ है, ये दोनों तार जॉइंट है, ठीक है। ये गाड़ी तार अभी जॉइंट है, ठीक है, इसको अभी काटे नहीं है और अंदर मीटर से निकाल लिए हैं। अभी सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि ये RPM के साथ मेरा किलोमीटर का काटा उठ रहा है कि नहीं। जब उठ जाएगा तो क्या करेंगे, ये तार काट देंगे, उसके बाद ये स्विच ड्राइवर वाला हम लगा लेंगे। ऐसे ही फॉर्जरी होता है भाई। देखिए तार काट के जॉइंट कर दिए, अभी गाड़ी आइडल में है, किलोमीटर का काटा जा रहा है 75 पे, RPM जा रहा है 10-15 पे, ठीक है। ये ऐसे ही आइडल में किलोमीटर रीडिंग बढ़ेगा, अभी रीडिंग बढ़ा करके दिखाते हैं। अभी देखिए 20-33-09-0-10 होता है कि नहीं देख लेते हैं। रेस करने का इसमें ज़रूरत नहीं है, आइडल में रखिए अपने आप चलेगा 80 पर काटा, ठीक। थोड़ा देख लेते हैं ये मीटर बढ़ रहा है कि नहीं, बस देखिए 10 हो गया, 20-33-09 था, 0-10 हो गया, ठीक है। अब हो गया ही, अब ये वाला तार जो है ऐसे छोड़ा दीजिएगा, तो तार छोड़ा देंगे इधर, अभी बढ़ेगा नहीं, बाकी जब गाड़ी जिस समय चलेगा उस समय ये किलोमीटर अपना काम करेगा जगह पर, जैसा काम करता था वैसा। अगर बढ़ाना रहेगा तब इस पर हम टच करेंगे इस तरह, अभी नहीं बढ़ रहा, टच करेंगे, देखिए उठ रहा, चल ओके, ठीक है, ठीक।